अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने एक दो दिन पहले वीडियो बनाई थी तकरीबन 28 या 29 तारीख को कि भाई पेट्रोलियम के रेट्स में कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो सीमेंट का रेट है वो भी कम हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि हुकूमत ने पेट्रोलियम के रेट्स में बिल्कुल भी कमी नहीं की। अच्छा दोस्तों, एक बहुत अहम जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको आज की वीडियो में देने जा रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी 2 से 3 मिनट की, लेकिन आपके ये बहुत काम आ सकती है। तो चले मैं आपको बकायदा वीडियो में बताता हूँ कि भाई सीमेंट का रेट क्या कम अभी भी हो सकता है या नहीं, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस तो कम नहीं हुई। और दूसरी वो इन्फॉर्मेशन या टिप क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। अगर आप अपने घर की तामीर कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी भी किस्म की, तो भाई आपको मटेरियल के रेट्स जानना पड़ते हैं। तो पहले आप बाजार जाके मुख्तलिफ शॉप से रेट्स मालूम करते थे, लेकिन अब आप 24 घंटे किसी भी वक्त सिंपली आप गूगल पर जाएं, jbms.pk लिखे तो आपके सामने हमारी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वेबसाइट आ जाएगी। उधर से तमाम जो आप बिल्डिंग मटेरियल के ताजा रेट्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि भाई हो सकता है कि जो आपकी ऑयल प्राइस है वो कम हो जाए, जिसकी वजह से आपके जो सीमेंट के रेट हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि उनमें कमी देखने में आ सकती है। तो भाई हुकूमत ने जो ऑयल की प्राइस कम होना बनती थी, अभी भी बनती है, वो कम नहीं की, जिसकी वजह से जो चांस था एक आपका सीमेंट के रेट्स कम होने का वो अब उस हवाले से तो नहीं रहा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर बताता चलूँ कि भाई ये जो जितनी डिक्लाइन कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स में इस वक्त हो रही है, आप में से बहुत सारे दोस्त कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, उनको भी पता है कि भाई इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है स्पेशली कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मेरे ख्याल से तारीख में इस तरह की सूरत हाल पहले कभी पैदा नहीं हुई, ना इस तरह कभी रेट्स बढ़े हैं। और अगर पिछले 1-2 सालों में या 3-4 सालों में देखें तो डिमांड अगर कम होती थी थोड़ी सी, 10-20% डिमांड कम होती थी, तो भाई आपके जो रेट्स हैं उसी वक्त डाउन हो जाते थे। तो लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि भाई डिमांड तकरीबन 60-70% नीचे आ चुकी है, डाउन हो चुकी है, लेकिन आपके जो मटेरियल के रेट्स हैं उनमें बिल्कुल भी जो कमी है वो बहुत ही या तो होती नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। अब इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि भाई रीज़न इसकी ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी जो होती है, कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो उस पर कॉस्ट आती है, तो कॉस्ट जो है वो कम बिल्कुल नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो कंपनीज माल बना रही हैं चाहे वो सीमेंट की हैं चाहे वो स्टील की हैं, तो वो रेट्स कम नहीं करती। अब सीमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि भाई सीमेंट के रेट्स कम कर सकती हैं जो सीमेंट कंपनीज हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही, वो अपने मार्जिन जो हैं उनको बिल्कुल भी कम नहीं करना चाह रहे। तो भाई सीमेंट कंपनीज को भी चाहिए कि भाई थोड़ा सा मार्जिन को अपने को डाउन करें और रेट्स कम करें। अब इन्फॉर्मेशन मैं अंदर की आपको देता हूँ कि भाई रेट्स ज़्यादा कम क्यों नहीं हो रहे। इन्होंने सीमेंट जो कंपनीज हैं इन्होंने क्या किया है जी, इन्होंने किया है कि अगर इनकी सेल कम होती है तो साथ ही ये अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम कर देते हैं। अभी पिछले दिनों सीमेंट जो है वो शॉर्टेज चल रही थी, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई अभी जो है डिमांड ना होने के बराबर है, और उधर से कंपनी वालों ने सीमेंट की शॉर्टेज बना दी कि सीमेंट की प्रोडक्शन कम कर दी। तो ऐसे में अगर रेट्स कम होना होते भी हैं तो कंपनीज जो है बड़ी बड़ी वो भी अपना इसमें हिस्सा डालती हैं और जो है वो प्रोडक्शन कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मसनू शॉर्टेज पैदा हो जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई क्या 700-800 तक सीमेंट का बैग आएगा या 900 तक आएगा, मैंने एक पोल भी करवाया था पिछले दिनों में, तो बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हो सकता है कि सीमेंट का रेट डाउन हो, तो भाई डाउन हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से बड़ा है या 700-800 से या 600 से ये 1100 तक गया है, उस हिसाब से अभी 1-2 साल में तो इसके कम होने के चांसेस नहीं है। तो पाकिस्तान अगर आप पिछले 75 सालों में महंगाई का रिकॉर्ड देख लें, तो जब एक मतलब महंगाई हो जाती है तो फिर उसको नीचे करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई अभी उस तरह से चांस नहीं है। आप दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे अभी तेल तो कम हुआ ही नहीं है, जो 10-20 रुपये हमने उम्मीद लगाई थी कि शायद तेल का रेट कम हो तो उसकी वजह से इसका इफेक्ट पड़े, वो भी नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा चांस नहीं है सीमेंट के रेट कम होने का। हमारी आज की वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।